पायलट बाबा के शिष्य स्वामी अमृतानंद गिरी महाराज का हुआ आगमन बद्रीनाथ धाम में। बर्फ में कठोर तपस्या करने के कारण उनका नाम बाबा बर्फानी पड़ा। स्वामी जी का 31 जनवरी को गुना आगमन हुआ था, जो अब कुछ दिन बाद अपने शिष्य के यहाँ जबलपुर प्रस्थान करेंगे। स्वामी का गुना में कई जगह भव्य स्वागत हुआ और लोग उससे मिलने दूर दूर से आ रहे थे। स्वामी हमेशा बद्रीनाथ पर रहते हैं। बद्रीनाथ धाम में 12 महीने 12 बरस बर्फ में तपस्या पूरी होने के पश्चात भक्तों को दर्शन देकर आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे स्वामी बद्रीनाथ में 17 सालों से तपस्या है, वहीं बद्रीनाथ में 6 महीने बर्फबारी होती है। अब इस दौरान स्वामी अपने शिष्य से मिलने भ्रमण कर निकलते हैं। स्वामी का जन्म 1975 में बिहार के सलैया गांव में हुआ था। बातचीत के दौरान स्वामी ने बताया कि स्वामी 12 साल की उम्र से अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। स्वामी ने 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की थी, उसके बाद उनके माता पिता उन्हें बाल अवस्था में ही छोड़कर चले गए। उन्हें मन में वैराग्य की इच्छा हुई तो स्वामी ने अपना घर छोड़ दिया और बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल गए। स्वामी के 6 भाई बहन थे, जिसमें से उनकी एक बहन शांत हो गई। माता पिता भी उन्हें बाल अवस्था में छोड़कर चले गए। स्वामी ने बताया कि 2004 में उन्हें लगातार एक समय का भोजन करके 12 साल तक बद्रीनाथ में बर्फ के अंदर तपस्या की और पहली बार 25 साल बाद वह अपनी जन्मभूमि अपने परिवार से मिलने अपने घर पहुंचे थे। आज हमारे गुना में एक बहुत महान हस्ती आई हुई है, जिनको हम बाबा बर्फानी के नाम से जानते हैं। और ये बद्रीनाथ में इन्होंने बर्फ के अंदर रहकर तपस्या की थी, जो आज हमारे गुना की पावन धरती पर आए हैं। महाराज जी से बात करेंगे हम कि आखिर इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया और अभी ये भ्रमण में निकले हैं। 6 महीने बर्फबारी होती है देवस्थानों पर, इसलिए उस समय साधु संत अपने भ्रमण पर निकलते हैं, अपने शिष्यों से मिलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। महाराज जी बताइए, आपका जो एक फोटो वायरल हुआ है बर्फ, जो बद्रीनाथ पे बर्फ के अंदर जो आप तपस्या कर रहे हैं, ये फोटो कितना पुराना है और ये कब का है? जय बद्री शहर, मैं स्वामी अमृतानंद गिरी बर्फानी बाबा, जो कि पायलट बाबा का शिष्य। मैं हिमालय में 17 सालों से निवास है मेरा। 12 साल 12 महीने कंटिन्यू लगातार पर्व में साधना के उपरांत अब नीचे भ्रमण यानि भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार बुलाने के बाद सेवा में उपस्थित रहते हैं। 6 महीना बद्रीनाथ का कपाट बंद रहते हैं, यानि मई से नवंबर तक के, और मई को खुलते हैं, नवंबर में बंद होते हैं। तो वहाँ जो 6 महीना के दौरान जो बंद रहता है, किसी का अलाउड नहीं होता है, प्रतिबंधित क्षेत्र है वो, हिमालय है, बद्रीनाथ धाम है, बद्रिकाश्रम कहा गया है, वहाँ गिने चुने ही रहते हैं लोग। पुलिस वाले, आर्मी, आईटीबीपी का निवास रहता है, 3 किलोमीटर गांव है, वहाँ कैंप है। उसी दौरान कुछ ही गिने चुने लोग रहते हैं, परमिशन के बिना किसी का अलाउड नहीं होता है। तो जो बंद के दौरान रहते हैं, साधना करते हैं, किए हैं, वो अलौकिक दृश्य है। वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहता है और शांति वातावरण रहता है। बर्फ का जो सिलसिला 6 महीने तक चलता रहता है, 10-15 फुट बर्फ, 20 फुट, 50 फुट तक हमने बर्फ देखा है, -10-15 डिग्री तक के चला जाता है। पूरी व्यवस्था के साथ वहाँ निवास किया जाता है, स्वयं की लाइट, पानी की व्यवस्था, सभी तरह की खान पान की सामग्री 6 महीने का रखा जाता है, उसके बाद रहा जाता है। और रह करके अपनी जिम्मेवारी पे, अपनी जोखिम पे रह करके साधना तपस्या किया जाता है। प्रशासन की किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेती है, क्योंकि अलाउड नहीं करती है। एक तो चाइना बॉर्डर पड़ जाता है, वहाँ से 45 किलोमीटर माना गांव से चाइना बॉर्डर पड़ता है। दूसरी बात, उस समय आप